स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर आपके इस चैनल पर जिसका नाम है श्री बी एस बायोलॉजी ट्यूटोरियल्स। आज के इस वीडियो लेक्चर से हम एनसीईआरटी और आरबीएससी हिंदी मीडियम से रिलेटेड पादप कायरिकी पढ़ेंगे। पादप कायरिकी के एनसीईआरटी से रिलेटेड फर्स्ट चैप्टर पादपों में परिवहन से संबंधित हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है विसरण या डिफ्यूजन। देखो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी परिभाषा डेफिनेशन क्या है। अणुओं का उनकी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन क्या कहलाता है? विसरण। अणुओं का हम बता सकते हैं आयन्स का उनकी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जो गमन है उसको हम क्या बोलते हैं? विसरण या डिफ्यूजन। अब देखो अधिक सांद्रता का मतलब क्या हुआ, आपने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा एक विलयन के अंदर दो चीजें आती हैं। एक विलयन के अंदर हम बता सकते हैं एक तो होता है विलायक और एक होता है विलेय। विलेय और विलायक दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? विलयन बनाते हैं या सॉल्यूशन बनाते हैं। विलायक होता है उसको हम मुख्यतः क्या लेते हैं? विलायक के रूप में लेते हैं पानी। और विलेय के रूप में हम बता सकते हैं जैसे शुगर बता सकते हैं, चीनी बता दिया, ठीक है। तो जैसे जैसे चीनी हम मिलाते जाते हैं पानी के अंदर, ये सॉल्यूशन क्या हो रहा है, ये विलयन क्या होता जा रहा है? गाढ़ा होता जा रहा है। कहने का मतलब विलायक की संख्या या फिर विलेय की संख्या, जो भी विलेय मिला रहे हैं हम या फिर विलायक के अणुओं की जो संख्या है, नंबर्स है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसकी सांद्रता। या हम ये बता सकते हैं कि सपोज करो एक बीकर के अंदर 90 ml तो क्या है? वाटर है। एक बीकर के अंदर क्या है? 90 ml वाटर है। और विलेय कितना है उसके अंदर? चीनी कितनी है? सिर्फ कितनी है? 10 ml। तो हम ये बता सकते हैं कि जो सांद्रता है वो ज्यादा किसकी है? विलेय के अणुओं की। तो सांद्रता का मतलब आप समझ जाना कि हम बता रहे हैं नंबर बता रहे हैं या उसका आयतन बता रहे हैं, वो रिप्रेजेंट करता है, वो प्रदर्शित करता है किसको? सांद्रता को। तो अणुओं का उनकी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन क्या कहलाता है? विसरण, जिसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। अब मैं आपको एग्जांपल से बताता हूं ये कि किस तरीके से डिफ्यूजन या विसरण होता है। देखो ये एक एग्जांपल है जिसमें बता रहे गैसों का किस तरीके से विसरण होता है। विसरण की प्रक्रिया नॉन लिविंग सिस्टम के अंदर भी होती है और लिविंग सिस्टम के अंदर भी होती है। आपको ये याद रखना, अजैविक तंत्र हो या फिर जैविक तंत्र हो, दोनों के अंदर क्या हो सकता है? विसरण की प्रक्रिया। इस एग्जाम्पल के अंदर मैं आपको बता रहा हूं कि गैसों का विसरण किस तरीके से हो रहा है। इस बोतल के अंदर जो अणु है वो कंसंट्रेट है, बहुत सारे पास में अणु है, इसलिए वो एक प्रेशर बना रहे हैं, उसकी वजह से अणुओं का उनकी अधिक सांद्रता से बाहर की ओर गमन हो रहा है। जैसे आप देखते हो, जैसे मैं इसको प्रेशर करता हूं, यहां से क्या हो रहा है? कंटिन्यूस बाहर निकल रहे हैं अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर। एक एग्जाम्पल तो ये है। दूसरा एग्जाम्पल है, अब देखना इस विलायक के अंदर पानी जो ले रखा है मैंने, इसके अंदर मैं एक कलर डिजोल्व कर रहा हूं जो एक सोल्यूट का काम कर रहा है या एक विलेय का काम कर रहा है, जो मैं आपको बता चुका हूं। देखो मैंने जैसे ही इसके अंदर डाला, ये धीरे धीरे क्या होता जा रहा है? इसके अंदर घुलता जा रहा है। धीरे धीरे क्या होता जा रहा है? घुलता जा रहा है। एक बार इसकी कंसंट्रेशन एक जगह पे ज्यादा थी सांद्रता, लेकिन धीरे धीरे ये पूरी तरीके से इसके अंदर फैल रहा है, मतलब इनके अणु है वो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाने का क्या करें? प्रयास करें, ठीक है। इस तरीके से अपन ने यह समझा कि अणुओं का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जो गमन है उसको हम क्या बोलते हैं? विसरण। यहां पर मैंने आपको दो एग्जांपल बताए। आप ये भी बता सकते हो कि आपने KMnO4 उसको भी आप पानी में डिजोल्व कर सकते हो। तो अणु क्या होंगे? पहले एक जगह के ऊपर रहेंगे, फिर धीरे धीरे क्या होंगे? गमन करेंगे।
और थोड़ी देर बाद में क्या होंगे, पूरी तरीके से पानी के अंदर फैल जाएंगे। ये बात होगी किससे रिलेटेड, विसरण से रिलेटेड दो एग्जांपल्स की। अब हम बात करते हैं इसके कुछ मुख्य बिंदुओं के बारे में। पहला जो बिंदु है वो है स्वतंत्र विसरण। स्वतंत्र विसरण का मतलब, जैसे मान लो मैं यहाँ पर अभी वीडियो बना रहा हूँ, बहुत सारी गैसेस मूव कर रहे हैं, उन गैसेस के अंदर जितने भी अणु मूव कर रहे हैं सारे के सारे दूसरे अणुओं से क्या इंडिपेंड है। कहने का मतलब अगर हम बात करें एक सिस्टम की, यहाँ पर जैसे इस पानी के अंदर मैंने कोई भी जो सोल्यूट अभी विलय मिलाया, तो विलय के अणु अपने स्वतंत्र मूवमेंट को शो करते हैं और वाटर की जो मॉलिक्यूल है वो स्वतंत्र है, वो एक दूसरे को क्या नहीं करें, इन्फ्लुएंस नहीं करें, प्रभावित नहीं करें। इसलिए हम क्या बता सकते हैं कि विसरण की प्रक्रिया क्या होती है, स्वतंत्र विसरण जिसको हम बोलते हैं। विसरण के कारण एक दाब उत्पन्न होता है जिसके कारण उसको हम क्या बोलते हैं, विसरण दाब, डीपी, डिफ्यूजन प्रेशर। जिस तरीके से हम बता रहे हैं यहाँ पर क्या है, अधिक सांद्रता के कारण सारे अणु क्या है, पैक्ड है। एक आप ये सब बता सकते हो सिलेंडर के अंदर जो गैस आती है, अणु पास पास है तो वे दाब बनाते हैं, दाब के कारण क्या होता है वो हमेशा अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाने का प्रयास करते हैं। इसके कारण विसरण के कारण एक दाब उत्पन्न होता है, अणुओं के गति के कारण एक दाब उत्पन्न होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, विसरण दाब। अब एक वर्ड आता है विसरण दाब प्रवणता, डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट, इसको हम क्या बोलते हैं, डीपीजी। प्रवणता का सिंपल सा मीनिंग होता है कोई भी डिग्री, डिग्री का मतलब एक कोण या एक पर्टिकुलर पॉइंट जिसके अंदर क्या हो रहा उतार चढ़ाव, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रवणता। विसरण दाब प्रवणता का मतलब क्या होता है, प्रवणता अधिक भी हो सकती है और प्रवणता कम भी हो सकती है। जैसे यहाँ पर दाब की प्रवणता क्या है, ज्यादा, इस बोतल के अंदर दाब की प्रवणता क्या है, ज्यादा है, और बाहर जो वातावरण में उसके अंदर क्या है, प्रवणता कम है। इसलिए ये अणु अधिक विसरण दाब प्रवणता से निम्न दाब विसरण दाब प्रवणता की ओर क्या करें, गमन करें। यह क्या हो गया, विसरण दाब प्रवणता। अब हम बात करते हैं तीसरे बिंदु की। तीसरा बिंदु है साम्यावस्था। साम्यावस्था का मतलब क्या हुआ, जैसे इस एक सिस्टम के अंदर, इस एक तंत्र के अंदर, शुरुआत के अंदर मैं बता रहा हूं 50 मॉलिक्यूल है और इस साइड के अंदर क्या है, इस तंत्र के अंदर 10 मॉलिक्यूल है, तो होगा क्या, धीरे धीरे अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अणु क्या करेंगे, गमन करेंगे। और ये अणु कब तक गमन करते रहेंगे, जब तक दोनों साइड के अंदर क्या रहेंगे, अणु बराबर नहीं हो जाएंगे। समझ गए, दोनों साइड के अंदर जब अणु क्या संख्या बराबर हो जाएगी तब गमन तो फिर भी होगा, लेकिन इधर भी उतने अणु आएंगे जितने इस साइड जाएंगे। इसका मतलब दोनों साइड की ओर जो गमन है वो क्या रहेगा, बराबर रहेगा। इस बराबर रहने को हम क्या बता सकते हैं, एक सिस्टम के लिए, एक तंत्र के लिए साम्यावस्था बता सकते हैं। तो इस एग्जाम्पल से आप देखना, यहाँ पर जो भी गैस इसके अंदर फिल है, जो भी मॉलिक्यूल है, उनकी सांद्रता क्या है, अधिक है, इसलिए वो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर कंटिन्यू मूवमेंट करेंगे। कब तक करेंगे, जब तक बाहरी वातावरण के अंदर और इस तंत्र के अंदर अणुओं की संख्या क्या नहीं हो जाती, बराबर नहीं हो जाती, तब तक ये मूवमेंट करते रहेंगे। आगे जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है मुक्त गतिज ऊर्जा। हर एक अणु की क्या रहती है, एक फ्री काइनेटिक एनर्जी रहती है। उस फ्री काइनेटिक एनर्जी या मुक्त गतिज ऊर्जा के कारण क्या करता है, अणु स्वतंत्र विसरण करता है, स्वतंत्र गति करता है। इसको हम क्या बोलते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर। इसी के कारण क्या करता है, वो मूवमेंट करता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट विसरण को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग डिफ्यूजन। कौन कौन से कारक है जिसके कारण विसरण की जो दर है, जो रेट है मूवमेंट करने की अणुओं की, वो क्या हो जाएगी, प्रभावित हो जाएगी। इसके अंदर जो सबसे फर्स्ट आता है वो आता है घनत्व। देखो घनत्व का विसरण की दर से क्या संबंध है, विसरण की जो दर है वो क्या होती है, घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। कहने का मतलब जितना ज्यादा घनत्व होता है विसरण की दर क्या होगी, उतनी ही ज्यादा कम होगी। जैसे जैसे घनत्व बढ़ता जाता है विसरण की दर क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। अगर हम बात करें इसके बारे में, तो जैसे ठोस के अणु बहुत पास होते हैं, उनका घनत्व क्या रहता है, बहुत डेंस रहते हैं, वो पास पास रहते हैं, इसलिए विसरण की दर क्या होगी, कम होगी। उसके बाद में अगर हम बात करें ठोस के बाद में द्रव की या लिक्विड की, उनके अणु थोड़े दूर रहते हैं, इसलिए उनके अंदर विसरण की दर थोड़ी और ज्यादा रहेगी।
गैस के जो अणु है वो बहुत ज्यादा दूर दूर रहते हैं, इसलिए उनके अंदर विसरण की दर या जो डिफ्यूजन की रेट है वो क्या होगी, और ही ज्यादा होगी। मतलब वो बहुत फ्रीली मूवमेंट कर पाएंगे गैस के अणु। ये हो गई विसरण की दर। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर तापमान की। टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता जाता है विसरण की दर क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। सिंपल सा मीनिंग है, अणुओं को जैसे ही गतिज ऊर्जा ज्यादा मिलने लगेगी, अणु क्या करते हैं, फास्ट मूवमेंट करते हैं। तो तापमान क्या कर सकता है, अणुओं की गतिज ऊर्जा को क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल है सिंपल सा, एक सिलेंडर के अंदर जो भी गैस के अणु है अगर उसको आग लग जाए तो अणुओं को काइनेटिक एनर्जी मिलती है ज्यादा, इसलिए वो जल्दी विस्तृत होने का प्रयास करते हैं। ये कंडीशन रिप्रेजेंट प्रदर्शित करती है किसको, कि तापमान जैसे जैसे बढ़ता जाता है विसरण की दर क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट आता है विसरण दाब प्रवणता। इसका मतलब क्या है, देखो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर विसरण की दाब अधिक होती है, जैसे जैसे अणु मूवमेंट करते जाते हैं आगे की ओर उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, गति कम होती जाएगी। तो दो अलग अलग पॉइंट के ऊपर विसरण की दाब अलग अलग होती है, विसरण की जो दर होती है वो अलग होती है। जैसे यहां पर अगर देखा जाए तो गैस का क्या है, विसरण दाब ज्यादा है और दूर क्या देखें कम है। इसका मतलब जैसे अणु मूवमेंट करें यहां से यहां, उनकी जो रेट है जो दर है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। तो विसरण दाब प्रवणता को हम कैसे काउंट करते हैं, डिफ्यूजन प्रेशर पहले पॉइंट के ऊपर, उसको अगर माइनस कर दें किसे, डिफ्यूजन प्रेशर दूसरे पॉइंट के ऊपर, और उसको डिवाइड करें हम किसे, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से या दूरी से, तो हम क्या काउंट कर सकते हैं, विसरण दाब प्रवणता। अब हम बात करते हैं महत्व के बारे में कि क्या महत्व है विसरण का। पहला जो है इसके अंदर वो होता है वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन का मतलब होता है कि प्लांट के अंदर जो वायवीय भाग होते हैं, जैसे हम बता सकते हैं पत्ती, उसके ऊपर अर्ली मॉर्निंग आपने देखा होगा कि वाटर की ड्रॉपलेट्स मिलती है। वो क्यों मिलती है, क्योंकि पादप के अंदर क्या रहता है, एक्सेसिव वाटर, अधिक मात्रा के अंदर पानी रहता है, तो जल का क्या हो गया, फिर मूवमेंट हो गया अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर। और इसके कारण कौन रेस्पॉन्सिबल है इसके लिए, इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है विसरण। नेक्स्ट आता है श्वसन। श्वसन के अंदर क्या होगा, जैसे अगर हम ह्यूमन बींग की बात करें तो ऑक्सीजन क्या आती है, एटमोसफियर से आती है, वातावरण से ऑक्सीजन आती है। वातावरण के अंदर ऑक्सीजन की सांद्रता क्या रहती है, ज्यादा रहती है, और कोशिका के अंदर क्या होती है, कम होती है। तो ऑक्सीजन अधिक सांद्रता से क्या हो गई, कम सांद्रता से, कम सांद्रता की ओर सेल के अंदर आ गई। ऑक्सीजन को कोशिका ने काम में ले लिया और क्या बना दी, CO2, जिसको हम क्या बोलते हैं, श्वसन। CO2 की सांद्रता कोशिका के अंदर ज्यादा रहती है और बाहर क्या रहती है, कम, इसलिए अणुओं का गमन अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर हुआ। समझ गए, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, तो कोशिका के अंदर से CO2 क्या आ गई, बाहर आ गई। तो ये श्वसन के लिए भी कौन जिम्मेदार है, विसरण। नेक्स्ट होता है जल अवशोषण। पादपों की जड़ों के द्वारा जो जल का अवशोषण है वो भी एक किसका टाइप है, विसरण का। क्योंकि मृदा के अंदर क्या रहते हैं, जल के अणु ज्यादा रहते हैं, और रूट्स के अंदर क्या रहते हैं, कम रहते हैं। तो मृदा से जड़ों के अंदर क्या हो गया, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जल का परिवहन, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, विसरण। नेक्स्ट आता है गैसों का विनिमय। जो अभी आपको मैं बता चुका हूं कि गैसेज होती है वो फ्रीली मूवमेंट करती है, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, विसरण। आई होप इस वीडियो के अंदर प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी रही होंगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। थैंक यू सो मच।